हाय गाइस, नमस्ते, हेलो। मेरा नाम है टुम्पा, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग है। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तभी मैं सोची थी कि मैं अगर ब्लॉग बनाऊंगी इन फ्यूचर तो जब मैं ट्रिप पे जाऊंगी तब, अब वो भी ट्रिप अगर महादेव का हो तो फाइनली मैं महादेव के पास जा रही हूँ। मुझे हम केदारनाथ जा रहे हैं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अचानक से प्लान बना, कल शाम में प्लान बना, ऐसा कोई प्लान नहीं था। मैंने प्लान किया था एक महीना पहले, बट प्लान हुआ नहीं। फिर होता है ना कि अगर महादेव बुलाए तो जाना पड़ेगा, और जाना हो ही जाता। तो मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत एक्साइटेड। तो मैंने तभी सोचा था जब मैं एक साल पहले यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था कि जैसे मैं डांस का वीडियोज़ वगैरह डालती हूँ बच्चे लोग का, फिर रील्स वगैरह डाल दिया। तो मैंने उसी टाइम सोचा था कि मैं अगर सब बोलते थे यार तुम पर तुम ब्लॉग बनाओ अच्छा है, तुम कर सकते हो। तो मैंने कहा था मैं बनाऊँगी, जब मैं ट्रिप पे जाऊँगी तब मैं बनाऊँगी। तो फाइनली वो मौका आ गया है, हम लोग सब रेडी है। हम लोग बहुत सारे 10-12 जन जा रहे हैं, फ्रेंड्स सर्किल है सारे। तो मैं, ये मेरा लगेज है, मैं आपको अपना लगेज दिखा रही हूँ, एक मिनट। तो अब हमारा 4-5 दिन का ट्रिप है। हम पूरा मतलब जो भी ऋषिकेश के, मतलब जो भी केदारनाथ के रास्ते में जो भी धाम, मतलब जो भी जगह आएगा, मंदिर आए या फिर ऐसा कुछ हो, तो हम लोग हर जगह रुक के जाएंगे। हमने पैकेज प्लान किया है जो कि टोटल 45,000 का है, सिर्फ ये ट्रैवलिंग, आना और जाना। बाकी आप होटल्स वगैरह वो अलग रहेगा। तो मैं हर एक चीज़ बताऊंगी आपको कि कितना खर्चा लगा, कैसे क्या हुआ ये। तो बस आप मेरे वीडियोस को थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा, कोई अगर भूल चूक हो तो माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मेरा पहला ब्लॉग है, मुझे उतना आइडिया नहीं है। मैं एक नॉर्मल कैमरा से ही बना रही हूँ, बट मैं अपना बेस्ट दूँगी। और ये ब्लॉग बनाने में सबसे बड़ा हाथ है श्यामली है, मेरी फ्रेंड श्यामो। उसने कहा था यार तुम बनाओ, तो फिर मैं यही सोच रही थी मैं बनाऊँ। मेरा सब कुछ पैक हो चुका है, मैंने सब कुछ कवर कर लिया है। बस घर को, मतलब मैं जब निकलूँगी तो घर लॉक करूँगी, बाकी सारा रेडी है। आई एम टू एक्साइटेड टू गोइंग टू द केदारनाथ फॉर विजिटिंग माई महादेव। Please bless us to the successful trip will be okay. Then stay with us, whatever is going us. Hi. अभी हम लोग निकलने के लिए तैयार हो गए। बस आ ही गई रास्ते पे, हम लोग अभी जा रहे हैं वहाँ पर। हाय, ये हमारी टू ट्रैवल बस है जिससे हम लोग केदारनाथ जाने वाले हैं। ये हमारे पीछे कुछ फ्रेंड्स बैठे हैं जिनके साथ मैं जा रही हूँ। ये है वो बस, ये हमारे पीछे शटल है जहाँ से हम लोग जाने वाले हैं, जिससे हम लोग जाने वाले हैं। हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग केदारनाथ। हर एक चीज़ मैं आपको बताऊँगी कैसे क्या कर। मैंने कुछ कुछ खाने का सामान भी ले लिया है। मैं भोला पर्वतकार तू रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की, किसे राजा ते ब्याह करवा ले मेरा पर्वतकार तू रानी मेला की, तेरी मेरी पार पड़े ना बेशक लिखी पहला की, किसे राजा ते ब्याह करवा ले मेरी गैल मेरा पछता नहीं। ये है वो ढाबा जहाँ हम लोग रुके खाने वाले हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। सॉरी मैं रात में वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि हम लोग रात में हरिद्वार में पहुँचे रात के 2 बजे के लगभग। तो फिर मैं अभी उठी हूँ, अभी करीब 9 बज रहे हैं। तो अभी हम लोग जाएंगे गंगा स्नान करने, क्योंकि केदारनाथ जाने से पहले कहते हैं कि हरिद्वार में नहाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसीलिए हम लोग हरिद्वार आए हैं, हरिद्वार से यहाँ से नहाएंगे फिर हम लोग ऋषिकेश की ओर चलेंगे। अभी हम लोग होटल में हैं, हरिद्वार में एक होटल का नाम, होटल का नाम क्या है, होटल का नाम क्या है, श्री कृष्ण होटल है ये होटल। मुझे बहुत मतलब अच्छा लगा, मस्त है, छोटा सा है, आप देखिए यहाँ इस साइड वॉशरूम है, वॉशरूम भी मोस्टली अच्छा ही है, मोस्टली अच्छा, सब अच्छा है, ज़्यादा पेबल भी नहीं है। आई थिंक 1 नाइट का इन्होंने 1250 लिया है, 1250। तो बस अभी हम लोग जाने वाले हैं नहाने के लिए गंगा जी, तो बस हमारे साथ बने रहिएगा, फिर हम आगे आपको बताएंगे। मैं आपको गंगा भी दिखाऊंगी कि कैसा है, नहीं और ओवरऑल अच्छा ही लगा। अब बस जाओगी, देखते हैं कैसा रहता है नहीं रहता है, फिर हम लोग मिलते हैं। ओके, दूसरा लिफ्ट जहाँ तक मेरा हाथ गया वहीं तक है, ये स्पेस सही है, कुछ खराब नहीं है, अच्छा। मोदी भगवान की जय, मोदी भगवान की जय।
मतलब इतना खास दिखेगा नहीं, पर लिटरली इतना सुंदर व्यूज है ना, इतना सुंदर व्यू है मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत सुंदर। अभी बस ये आप मान लो केदारनाथ का ये एक कदम तक वहाँ जाने के एक कदम है, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा नज़ारा है। हम आगे चलते हैं, अभी हम लोग चल रहे हैं, देख रहे हैं अगर और क्यों कोई अच्छा सा व्यूज मिल जाए। अभी ऋषिकेश में राफ्टिंग शुरू हो चुकी है, बिल्कुल बंद हो गया था क्योंकि भारी वर्षा के कारण राफ्टिंग बंद कर दिया गया, अभी राफ्टिंग स्टार्ट हो गया है। ओह वाह, यहाँ से नज़ारा बहुत सुंदर, मेरी वॉइस सेटअप थोड़ी कम है, एक्चुअली माइक नहीं है मेरे पास। ये देखिए आप लक्ष्मण झूला से, मुझे लगता है लक्ष्मण झूला से ही राफ्टिंग होता है क्योंकि मुझे आइडिया नहीं, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ, ठीक है, फर्स्ट टाइम आई हूँ कि राफ्टिंग का मुझे यहीं से दिखा, तो मुझे लग रहा है लक्ष्मण झूला से ही राफ्टिंग होता है और यहाँ से आप बुक कर सकते हैं, बुक करके आप राफ्टिंग करो और आप एडवेंचर्स वगैरह जो भी आप कर सकते हो, बट बहुत अच्छा है, बहुत सच। बस आगे बाबा की मर्जी, अच्छे से जाए हम लोग, अच्छे से दर्शन करें। कि अभी मेरे साथ जो मेरे फ्रेंड्स आए हैं पता नहीं वो लोग पैदल यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे, बट मैं तो पैदल यात्रा क्योंकि मुझे मतलब वो फील करना, अगर हम चाहे वो पिक्चर से जाए चाहे वो खच्चर से जाए, वो फील नहीं आता जितना आप चल के जाओ, आप नेचर को महसूस करके जाओ, वो फीलिंग्स मुझे लगता है वो पैदल से आता। पता नहीं मेरे फ्रेंड्स वगैरह जाएंगे कि नहीं, बट मैं तो पैदल जाने वाली हूँ और हर एक्सपीरियंस करने वाली, क्योंकि ये केदारनाथ मेरा एक सपना ही था, सोचे नहीं थे कि कभी आप आएंगे, बट बाबा ने बुलाया तो हम जा रहे हैं। मैं हर चीज़ आपको बताऊँगी, फिलहाल आज लक्ष्मण झूला, अभी फिलहाल लक्ष्मण झूला तक ही अभी हम लोग लक्ष्मण झूला पहुँचे हैं ऋषिकेश में जो है, तो यहाँ हम लोग लंच करेंगे, लंच करने के बाद फिर हम लोग शायद हम लोग केदारनाथ ही जाएं, वहाँ पर हम लोग वो करेंगे, उसके बाद फिर हम लोग कल सुबह मॉर्निंग कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है, ठीक है, हमारे मेरे साथ बने रहिए। और मैं फिर से बोल रही हूँ, प्लीज़ गलत कमेंट्स मत करना, ये वो फलना, आपको ये नहीं आता वो नहीं आता, मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, ये मेरा पहला है। तो वाओ, एक चीज़ और मैं दिखा रहा हूँ, पता है ये कैमरा से उतना अच्छा नहीं दिख रहा है, बट ये बहुत ही सुंदर है, पूरा पहाड़ में क्लाउड है, मतलब मैं मतलब इतना अच्छा लग रहा है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ठीक है, हम आगे। हाय नमस्ते, राम राम जी। तो जैसा कि मैंने कहा था कि मुझे लगा था कि मैं एक ही साथ सारा वीडियोस डाल दूँ, बट नहीं डाल सकती क्योंकि ऑलरेडी इतने ज़्यादा मतलब मिनट का हो चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्ट वाइज ही उसको डालूँ, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। होप यू गाइस, आप प्लीज़ इस वीडियोज़ को लाइक दीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। अब कहीं कहीं मतलब कुछ बोलने में अगर गलती हो गई हो, हुआ ही होगा, नहीं होने का ऐसा कुछ नहीं है, तो प्लीज़ उसमें ज़्यादा बैठ के मत बोलना कि ऐसे नहीं बोलते ऐसे बोलते, तो मैं बस आपसे यही मतलब बोलना चाह रही हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिएगा, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। ये अक्टूबर में जब मैं गई थी, 18 से पहले ही गई थी मैं, 7 को ऐसे ही, उस टाइम पे मैं केदारनाथ का ट्रिप पे गई थी,
तो वो वीडियोस मैं बहुत पहले ही बना देती, बट किसी कारण मैं नहीं बना सकी क्योंकि मेरा फ़ोन चोरी हो गया, नया फ़ोन था उससे काम चलाना पड़ा। फिर मैं अभी जस्ट रिसेंटली कुछ दिन पहले मैंने नया फ़ोन लिया, तो मैं सोचा फाइनली मैं सबसे पहले कुछ करूँ, जमा करूँ, ब्लॉग पहले डालूँगी। तो ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। और जहाँ से मैंने वेडिंग किया था, शुरुआत की थी, मतलब हर चीज़ मैंने आपको दिखाया। प्लीज़ इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लव यू ऑल।